हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जिन्होंने जिनको आप सब लोगों ने अभी हुए आम चुनाव में भारी बहुमत से इस क्षेत्र से चुनाव जीतवा कर भेजा, फिर से अपना सेवा करने का अवसर प्रदान किया, और जिनके आग्रह पर अब मैं क्या बताऊं आप कि जब मैं अभी जैसे अजय भाई बता रहे थे, मेरे को 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और लगातार हमने काम को आगे बढ़ाया। लगातार आप सबके बीच में गए, पूरे प्रदेश के अंदर लगातार भ्रमण का काम किया, लगातार संवाद का काम किया, एक एक विधानसभा क्षेत्र में, मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गया, और जब चुनाव का परिणाम आया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 47 सीटें उत्तराखंड के अंदर जिताकर एक इतिहास बनाने का काम किया, एक मिथक तोड़ने का काम किया, और उसमें एक युद्ध तो हम जीत गए, युद्ध में जो काम पे लगाया था वो काम पर सफल हुआ, लेकिन मेरा चुनाव परिणाम आप सबके सामने रहा, यानी कि व्यक्तिगत जो लड़ाई थी वो लड़ाई में हार गया। सबसे पहले मुझे कैलाश गहतोड़ी जी का फोन आया, बताया कि कैलाश गहतोड़ी जी बात करना चाहते हैं, मेरी इनसे बात नहीं हो पाई। अब मुझे पता भी नहीं था, मैंने टेलीविजन में देख भी नहीं रहा था, तो वहां ये पता लगा कि इन्होंने यहां पर अपना सर्टिफिकेट लेने से पहले ये घोषणा कर दी थी कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली कर दूंगा यहां से। और आप सब जानते हैं आजकल ग्राम प्रधानी की भी सीट छोड़ना बड़ा कठिन होता है, और विधायक अपने आप में एक ऐसा सदन होता है पूरे प्रदेश के अंदर से जिसमें 70 लोग जाते हैं, और सत्ताधारी दल के विधायक थे। दूसरी बार आप सब लोगों ने इनको चुनकर भेजा था, और इतना ही नहीं, ये मैं सच बताऊं तो आप लोगों के ऊपर तो मुझे, मेरा भी मन यही था कि मैं जब मैं यहां से पूर्णागिरी दर्शन करने आया था, उस समय भी मेरे मन में पूरा ये था कि मैया ने पता नहीं क्या सोचा होगा। और कैलाश जी को ये मैंने, ये देहरादून तो आए ये मेरे बुलाने पर, इन्होंने अपनी शपथ तो ले ली विधायकी की, एक बार विधायकी का इनको हो गया कि दोबारा के विधायक हो गए, लेकिन ये विधानसभा में नहीं गए। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि इन्होंने कहा मैं इस बार विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब इन्होंने ये कोई अपने लिए तो किया नहीं कि इनको कुछ चाहिए, ये खुद ही भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, मां लक्ष्मी की भी कृपा है, इन काम धंधा करते हैं लंबे समय से, किसी पद की भी नहीं है। मैंने इनसे कहा कि आपको कोई पद वगैरह, बोले मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, मैं मुख्यमंत्री लाकर उनको दे रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं कैलाश जी का बहुत आभारी हूं, और आप लोगों का भी बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में चुनाव के दौरान 2 बार आया। मैं यहां एक दिन टनकपुर आया, यहीं पर हमने सभा करी थी, और एक दिन मैं बनबसा आया था, बनबसा में भी सभा करी, और वहां भी पूरा जनसंपर्क किया, गड़ी गोड से लेकर हमारा पद पोखरिया, वो पूरा क्षेत्र उधर का आसपास का, और यहां भी रोड में पूरे शहर में
हम सभी जगह गया, मैंने देखा आप लोगों का उत्साह, और सभी ने मुझे कहा उस दिन कि हम इस क्षेत्र से आपको सीट पक्का देंगे यहां से। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।